हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता। आज मैं नाश्ता बनाऊंगी साबूदाना के। तो साबूदाना मैंने फुला के रख दी थी सुबह क्या, अभी इसे 2 घंटे हो गए हैं फुलाए हुए, तो अच्छे से फूल गया है, ऐसे दब रहा है पूरा, तो अच्छे से फूल गया है। तो अभी मैं इसका जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ और मुझे लेट भी हो गया है, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे हैंकी टक कर लेती हूँ। और साबूदाने में जो मुझे सब्जियां चाहिए उसको मैंने काट के रख ली हैं। हरी मिर्ची है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च मैं ज्यादा ली थी क्योंकि शिमला मिर्च जब आई थी मेरे यहाँ तो कई दिन हो गया है, लगता है कि मुझे लगा कि अभी इसको और रखेंगे तो खराब हो जाएगा। 3 थी छोटी बड़ी 3 थी, तो मैंने उसको पूरा काट लिया है और ये पता भी नहीं चलेगा इसमें ज्यादा गल जाता है। तो फिर मैं बना लेती हूँ। मेरा गरम हो गया है तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी। पहले मैं प्याज और शिमला मिर्च और हरी वाली मिर्ची इन सबको पका लूंगी। मुझे ज्यादा नहीं पकाना है इसे, बस थोड़ा ही पकाना है, ये अच्छे से मुलायम हो जाए। और मैं आप लोगों के लिए वही रेसिपी लेके आती हूँ जो कि घर में आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ज्यादा हमेशा वही चीज आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ जो हमें आसानी से घर में मिल जाए सामान, तो मैं उसी सामान से बनाती हूँ। और जो भी बताती हूँ आप लोग को अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग हमें अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में भी शेयर करिएगा। सब्जियां मेरी पक गई है तो मैं इस साबूदाना को इसमें डाल दूंगी।
आंच को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे, तेज आंच नहीं होनी चाहिए। दस मिनट के लिए इसे ढक देंगे और साबुदाना जो है अच्छे से और ज्यादा फूल जाएगा, अंदर जो थोड़ा सा कड़ा रहता है वो भी अच्छे से फूल जाएगा। और एकदम धीमी आंच पे रखना, अगर तेज आंच पे रखेंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहता है तो बहुत जल्दी जलने लगता है। अभी इस टाइम दूध वाले भैया शाम को दूध देने लगे हैं, तो शाम को गर्म कर देती हूँ और पीने के बाद जो बचता है सीधे सुबह, शाम को तो गर्म रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो जो बचा रहता है पीने से उसको मैं सुबह जब उठती हूँ तो सीधे फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रिज में डालने से क्या होता है कि दूध खराब भी नहीं होता है और थोड़ा बहुत मलाई भी निकल आती है घी बनाने के लिए, मैं घी बना लेती हूँ। मेरे यहाँ घी खरीदना नहीं पड़ता है और मार्केट का घी खरीद के खाने से अच्छा है कि ना ही खाए, पैसा भी फेंको और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहता है, पता नहीं क्या क्या मिलाए भी रहते हैं। तो इससे अच्छा कि हमें दूध भी मिल जाता है और ऊपर से घी भी बन जाता है, बस अपने को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। भाई मेहनत तो आपको करनी है, दूसरा कोई तो मेहनत आपके घर में करने नहीं आएगा, तो इसलिए हम उठा के फ्रिज में रख देते हैं। और जब दोपहर में गर्म करना रहता है तो मलाई निकाल लेते हैं और फिर गर्म कर लेते हैं, फिर पीने का काम आ जाता है। हम औरतें तो ऐसे ही करते हैं, अक्सर जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के ही रखती हैं। कितना सारा पैसा हम घी में लगा देंगे और खाने में अच्छा भी नहीं लगता है, ऊपर से पता चले कि बीमारी भी हो जाए। तो एक बार मैं इसे चेक कर लूंगी और बंद भी कर देती हूँ क्योंकि ये पक गया होगा। आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। देखिए मैंने खिचड़ी बना ली है और कितना अच्छे से बनी है ये आप लोग देख सकते हैं, एकदम खिली खिली सी है। और खिचड़ी से मुझे याद आया, दादी लोग कहावत बोलती थी कि अगर बीमार को खिचड़ी खिलाया जाए तो बीमार ठीक हो जाते हैं, और यही खिचड़ी अगर दिमाग में पकती रहे ना तो आदमी बीमार हो जाता है। तो खिचड़ी ऐसी चीज है कि अगर बीमार को खिलाइए तो वो ठीक हो जाता है, और यही खिचड़ी अगर दिमाग में लेके घूमता है इंसान तो बीमार हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी उबलने वाली है,
बड़े वाले पे रख दे, कैमरे में नहीं दिख रहा था। मुझे छोटा वाला कद्दूकस लेना था जो इतना बड़ा सा आता है, तो जब मार्केट जाते हूँ तो भूल जाता है, और अभी इस समय तो मार्केट जाना भी नहीं हो पा रहा है, तो जब भी अदरक उदरक डालना होता है या तो कूट के डालिए खलबट्टे में, और या तो फिर इससे कस के डालिए, तो कूट के डालते हैं तो उतना अच्छा। देखिए चाय भी निकल गए। कूट के डालते हैं तो उतना अच्छा से इसका फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन जब कस के डालते हैं ना तो चाय में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैं ज्यादा कस के ही डालती हूँ। मैं चाय के लिए लोहे के छन्ने रखी हूँ और दूध के लिए एक प्लास्टिक की है। अगर इसमें दूध छानते हैं ना तो छोटा छोटा कुछ ना कुछ आ ही जाता है, और उसमें चाय छानते हैं तो छन्नी भी गंदी हो जाती है और चाय अच्छे से झड़ती भी नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों चीजों के लिए अलग अलग रखी हूँ। आप लोग भी आ जाइए सुबह का चाय नाश्ता करने के लिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और नाश्ता भी गर्म है, दोनों गर्म है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए।